मानसी राठौर निजाना हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। निगम में लगातार दूसरे दिन राजीव गांधी सिविक सेंटर में हुई रजिस्ट्री को लेकर हुआ हंगामा। निगम आयुक्त ने कहा, आपको जो करना है करें, आप चाहे तो रजिस्ट्री को करें शून्य घोषित। पक्ष विपक्ष के लगातार हो रहे हंगामे के बाद महापौर प्रहलाद पटेल ने रजिस्ट्री को शून्य घोषित करने की बात कही। नगर निगम परिषद में चल रहे हंगामे के बीच महापौर प्रहलाद पटेल को आया फोन। फोन के बाद महापौर प्रहलाद पटेल ने की राजीव गांधी सिविक सेंटर रजिस्ट्री शून्य करने की घोषणा। महापौर द्वारा रजिस्ट्री को शून्य करने के दिए गए निर्णय के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता हुए शांत। वर्षों तक फर्जी रजिस्ट्रियों की आज बनी रह सकती है निगम गलियारों में। अपनों में अब अपनों को खोजेंगे महापौर प्रहलाद पटेल। और शिवरात्रि के महापर्व पर हुए शहर में विभिन्न जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। देर शाम निकली शाही बारात तो कहीं हुआ महा आरती का आयोजन। कहने को तो निगम का साधारण सम्मेलन बजट के लिए आयोजित हुआ था, लेकिन 7 मार्च गुरुवार को निगम सम्मेलन में राजीव गांधी सिविक सेंटर में हुई रजिस्ट्री में हुई अनियमितताओं के कारण कोई विशेष कार्यवाही नहीं हो सकती थी। वहीं सदन 9 मार्च शनिवार तक के लिए स्थगित हो गया था। वहीं आज जैसे ही सम्मेलन की शुरुआत हुई, वैसे ही निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा ने पार्षद दल की ओर से आपत्ति दर्ज कराते हुए पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया था कि राजीव गांधी सिविक सेंटर में हुई रजिस्ट्री के नामांतरण एवं भवन अनुज्ञा पत्र को ना दिया जावे। उक्त आपत्ति पत्र देने के साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से रत्नदीप सिंह ने गुरुवार शाम स्थगित हुआ सम्मेलन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है उसके बारे में जानकारी जानना चाहिए। साथ ही राजस्व विभाग से नामांतरण रिकॉर्ड रजिस्टर भी मंगवाने की अधिकारी से मांग की गई। उक्त मामले में उन्होंने तर्क दिया कि वैसे तो लोगों को महीना या सालों नामांतरण के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर उनके भवन का या जमीन का नामांतरण होता है। वहीं निगम अधिकारियों ने नियमों को ताक में रखते हुए नामांतरण कर दिए और किन किन लोगों के नाम से नामांतरण हुए है उसकी जानकारी अधिकारियों से चाहिए। कि वो निगम के अधिकारी को आदेशित करें कि उन प्लाटों में किस किस के नामांतरण कर दिए गए हैं उनकी लिस्ट मुझे उपलब्ध करा दी जाए। अभी यहाँ पर जिस किसी के भी नामांतरण कर दिए गए हैं, क्योंकि उनकी आखिरी तारीख दिसंबर की थी, तो हो सकता है कि आम व्यक्ति का नामांतरण तो नहीं हो पाता है, पर उनका हो गया होगा, क्योंकि वो पूंजीपति है, पूंजीपतियों का नामांतरण जल्दी हो जाता है। तो कृपया अगर आप आदेशित कर दें निगम के अधिकारियों को कि वो नामांतरण की सूची रहे, एक रजिस्टर रहता है, कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, वो रजिस्टर उठा के यहाँ लाना है, बस उसके अंदर दिख जाएगा कि किस किसके आपने नामांतरण करें। भी पूरी तरह से बात भी समाप्त नहीं हुई थी कि निगम आयुक्त ने माइक संभाला और बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि मैं आज नामांतरण की जानकारी उपलब्ध नहीं करवा सकता, क्योंकि आज अवकाश के दिनों में निगम सम्मेलन आयोजित हो रहा है। लेकिन जो जानकारी आपसे मांग रहे हैं वो देने का आप असमर्थ है क्या? बिल्कुल मैं ये कहूंगा। तो फिर अगर आप ये जानकारी कदम में नहीं रखना चाह रहे थे और एक साथ आदेश करें आपने टाइप से कि सभी रजिस्टर शून्य किए जाएं, उसके अंदर जो नामांतरण हुए हैं उनको भी शून्य किए जाएं, भवन अनुज्ञा की अगर कोई अनुमति मिल गई है तो उसको भी शून्य किया जाए, और जो आयुक्त साहब के द्वारा
जो 2009 के आदेश के ऊपर जो रजिस्ट्री कराई दी गई है, आगे और रजिस्ट्री नहीं हो तो इससे आयुक्त साहब के भी अधिकार रोके जाए, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाए इसके आदेश से। जरा जरूरत है साहब, पक्ष भी इसमें समर्थन कर रहा है, पक्ष की तरफ से भी पत्र है। निगम आयुक्त का यह जवाब सुनकर निगम अध्यक्षा श्रीमती मनीषा मनोज शर्मा ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि यह कोई जवाब नहीं होता, जब निगम के जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद है तो आपको जानकारी देनी ही पड़ेगी। वहीं अन्य पार्षद भी इस बात के लिए अड़ गए कि जब तक परिषद में किन किन लोगों के नाम पर नामांतरण हुआ है उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, तब तक सदन की कार्रवाई आगे चलने नहीं दी जाएगी। आगे कार्रवाई होने देंगे, सदन की कार्रवाई आगे तभी चलेगी जब यहाँ नामांतरण पड़े होंगे कि इस लोगों के नामांतरण हमने कर दिए है। नामांतरण के जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि नामांतरण रजिस्ट्री के बाद की मूल प्रक्रिया है। पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर हंगामा करने लगे और निगम आयुक्त को खरी खोटी सुनाने लगे, वहीं निगम आयुक्त अपनी बात पर अड़े रहे। निगम का साधारण सम्मेलन पिछले दो दिनों से इसी बात पर चल रहा था कि राजीव गांधी सिविक सेंटर में हुई फर्जी रजिस्ट्री को निरस्त किया जाए एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर गुरुवार शाम स्थगित हुआ निगम का सम्मेलन शनिवार को भी हंगामा के साथ ही शुरू हुआ। वहीं पक्ष विपक्ष के लोग अपने अपने तर्क दे रहे थे और निगम सभापति के साथ में निगम आयुक्त की भी बहस हो गई थी। पक्ष और विपक्ष सिर्फ अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे और सदन की कार्यवाही नहीं चलने की बात कहते रहे। ऐसे में महापौर के पास एक फोन आता है और महापौर बाहर बात करने चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर तक सदन की कार्यवाही को देखते हैं और उसके बाद जब आयुक्त और पक्ष विपक्ष की बहस चल रही थी तभी महापौर प्रहलाद पटेल ने चौंकाने वाली बात कह दी। सारा विषय खत्म, इन रजिस्ट्रियों को निरस्त कर दिया जाए, ठीक है कमिश्नर साहब? मैं सहमत हूँ, इन रजिस्ट्रियों को मैं सहमत हूँ, जो सदन निर्णय लेगा उससे मैं सहमत हूँ। सारा सदन निर्णय ले लें तो माता पार्षद के लिए प्रस्ताव भी लाया। उक्त बात के बाद जहां पूरा सदन शांत हो गया वहीं बात वहां आ गई कि राजीव गांधी सिविक सेंटर में भू माफिया द्वारा किए गए कब्जे को भी हटाया जाए। उक्त बात के लिए निगम आयुक्त को निगम अध्यक्षा श्रीमती मनीषा मनोज शर्मा द्वारा निर्देशित भी किया गया। निगम परिषद की स्वीकृति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे तथा विवादित रूप से करवाई गई रजिस्ट्री निरस्त की जावे एवं सिविक सेंटर में माह अक्टूबर 2023 से आज दिनांक तक की रजिस्ट्रियां नामांतरण भवन अनुज्ञा सहित समस्त प्रक्रिया निरस्त की जाए तथा पूर्व में भी जो रजिस्ट्रियां अनियमितपूर्ण हुई है उन्हें भी निरस्त किया जाए। गुरुवार से लेकर शनिवार की दोपहर तक निगम सम्मेलन में हंगामा सिर्फ इस बात को लेकर होता रहा कि राजीव गांधी सिविक सेंटर में हुई फर्जी रजिस्ट्री को निरस्त किया जाए एवं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पक्ष विपक्ष दोनों इस बात को लेकर एक राय होकर निगम अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। वहीं शहर के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले महापौर पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए थे, जिसकी वजह से कई सवालों को जन्म मिल रहा था। वहीं पूरे मामले में सत्यमेव जयते की बात कहते हुए निगम सभापति ने नियमों एवं मौजूद आधारों पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए निष्पक्ष होने के साथ ही सत्य का साथ दिया और आखिरकार वह समय निगम में आ गया जब महापौर ने अपनी चुप्पी को तोड़ना पड़ा और राजीव गांधी सिविक सेंटर की सारी रजिस्ट्री शून्य घोषित करने की घोषणा करनी पड़ गई। भले ही आज यह पूरा मामला महापौर की घोषणा के साथ समाप्त होता दिखाई दिया, लेकिन अधिकारियों से लेकर मौजूदा जनप्रतिनिधियों की हुई किरकिरी के बाद इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे। साथ ही इस वक्त
कर्मा फिल्म का एक डायलॉग भी याद आ रहा है जिसमें अनुपम खेर कहते हैं कि इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें जीवन की अंतिम सांस तक सुनाई देगी। निश्चित इसमें अधिकारियों के साथ प्रमुख जनप्रतिनिधि की भी बोन स्वीकृति समझी जा रही थी। वहीं पूरे मामले पर महापौर ने अपना एक स्टैंड ले रखा था, लेकिन कितने सफाई कर्मचारी वार्ड में काम करने जा रहे हैं, किन किन का वेतन होना बाकी है, कौन अधिकारी कहाँ काम करेगा और किन लोगों को भवन अनुज्ञा पत्र जारी होंगे, जब ऐसी छोटी छोटी मामलों की जानकारी महापौर के पास होती है तो यह सहज ही समझा जा सकता है कि राजीव गांधी सिविक सेंटर की रजिस्ट्री होने की जानकारी महापौर को ना हो। बावजूद इसके इस तरह से बात में सारी रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित करने की घोषणा करना, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष और पक्ष के आक्रामक तेवर देखकर उन्होंने फिलहाल रजिस्ट्री को शून्य घोषित करने की घोषणा जरूर कर दी, लेकिन वह लोग सब सामने आ गए जो साथ में होते हुए भी साथ में नहीं थे। बहरहाल पूरे मामले का पटाक्षेप जरूर हो गया, लेकिन आने वाले समय में राजीव गांधी सिविक सेंटर की रजिस्ट्रियों की आज निगम के गलियारों में बनी रहेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर जहां कांग्रेस संगठन महीने भर से तैयारी कर रहा था, वहीं प्रदेश कांग्रेस संगठन के कई वरिष्ठ नेता यात्रा को सफल बनाने के लिए हफ्तों से रतलाम में ही डटे हुए थे, जिसमें पूर्व गृह मंत्री एवं कांग्रेस प्रभारी आदि शामिल थे। कांग्रेस कार्यकर्ता ने जहां राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया था, रतलाम शहर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी राहुल गांधी के करीब नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन शहर के युवा कांग्रेस नेता अंकित सिसोदिया राहुल गांधी की न्याय यात्रा में उनसे मिलने पहुंचे। इस अवसर पर शहर की राजनीति व अन्य मुद्दों पर भी कांग्रेस युवा नेता अंकित सिसोदिया से चर्चा की। हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, दूसरे। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न देवालयों में महाआरती का आयोजन करते हुए महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया गया। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में जवाहर नगर स्थित चारबत्ती चौराहे पर मां पद्मावती मंदिर प्रांगण स्थित मनकामनेश्वर महादेव मंदिर पर भी महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया गया, जहां दिन भर भक्तों ने महादेव की आराधना करते हुए मनवांछित फल प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया। वहीं देर शाम शिव भक्तों ने महाआरती कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। महाआरती के अवसर पर क्षेत्र के समाज सेवी राजीव रावत, क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती आशा रावत के साथ बड़ी संख्या में धर्मानुजन मौजूद रहे। नागेश्वर महादेव मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य आयोजन किया गया। शिवजी का जलाभिषेक किया गया व भजन संध्या एवं महाआरती करने के साथ महाप्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर बबला पहलवान बंजारा एवं स्वर्गीय छोटू लाल जी बंजारा समस्त आदर्श नागेश्वर भक्त मंडल मौजूद रहा। महाशिवरात्रि के अवसर पर डालू मोदी बाजार स्थित लिमडेश्वर महादेव मंदिर पर निगम अध्यक्षा मनीषा मनोज शर्मा ही हिंदू संगठन प्रमुख राजेश कटारिया, सिद्धार्थ पांड्या, वैभव व्यास के साथ धर्मानुजन मौजूद रहे।
महाकाल भक्त मंडल द्वारा मनमोजी महादेव मंदिर खेरादी वास से महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में भव्य शाही शिव बारात का आयोजन किया गया। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व समिति संयोजक संदीप छोटू सोनी व मुख्य अतिथि द्वारा महादेव की पूजा अर्चना करने के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप बगला मुखी खाचरोद के संत श्री उपस्थित रहे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने संबोधित करते हुए कहा, अभी आप लोगों को मिला महाराज जी का आशीर्वाद रतलाम के ऊपर निरंतर बना रहता है और जहां पर भी हम उन्हें याद करते हैं उनका विशेष रूप से रतलाम पर हमेशा से आना भी होता है और आशीर्वाद भी होता है। निश्चित संतों की वाणी संतों के आशीर्वाद से ही हम विकास के कई नए कार्यों को अंजाम दे पाते हैं। आपने जैसे अभी बताया कि भोपाल में गोवंश के लिए गौशालाओं की एक बड़ी कार्यशाला हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने रखी थी, उसमें जो प्रति गोवंश के लिए गौशाला को 600 रुपये माह दिया जा रहा था उसे 1200 रुपये प्रति माह किया गया है। एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है, उसे सरकार में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है और हम रतलाम के विकास में रतलाम के धार्मिक आध्यात्मिक विकास भौतिक विकास और यहाँ के युवाओं के भविष्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, भाजपा नेता मदन सोनी, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विप्लव जैन, हिंदू संगठन प्रमुख राजेश कटारिया सहित सैकड़ों की संख्या में महादेव के भक्त शाही बारात में शामिल हुए। इस अवसर पर शहर में शिव बारात का मार्ग में जगह जगह मंच लगाकर स्वागत किया गया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर से भव्य शाही बारात का आयोजन हुआ। शाही बारात में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन शामिल हुए। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में शहर के अनेक देवालयों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जहां दिन भर शिव की आराधना होती रही। वहीं शाम को भव्य शाही बारात का भी विभिन्न देवालयों में आयोजन हुआ। शाही बारात के इसी क्रम में श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर से भी भव्य शाही पालकी का आयोजन किया गया। शाही पालकी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन शामिल हुए।
शाही पालकी शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रत्नेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर महाआरती के साथ महाप्रसादी का आयोजन किया गया। नगर निगम में वर्ष 2024-25 का बजट सम्मेलन आयोजित हुआ। बजट सम्मेलन में महापौर द्वारा बजट प्रस्तुत करने से पूर्व कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई, जिसमें पक्ष एवं विपक्ष ने मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा भी की एवं भ्रष्टाचार की आशंका वाले राजीव गांधी सिविक सेंटर में हुई रजिस्ट्री के ऊपर जहां रोक लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ, वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई। कांग्रेसी नेताओं को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के रतलाम में न्याय यात्रा की वजह से पूर्व कोई बैठक नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से कई ज्वलनशील मुद्दों पर विचार मंथन नहीं हो पाया था। कांग्रेस पार्टी की बैठक कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित हुई, जहां शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया एवं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें नगर निगम द्वारा प्रस्तुत बजट पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया व समस्त महिला पार्षदगण को सम्मानित किया गया। बैठक का संचालन उपनेता कमरुद्दीन कछवाया ने किया एवं आभार प्रदर्शन श्रीमती याश्मिन शेरानी ने व्यक्त किया। बैठक में चूंकि आज संयोग वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, इस अवसर पर हमारे सभी परिषद के समस्त साथियों की ओर से, कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे समस्त पार्षद बहनों का हार्दिक स्वागत है। इस संबंध में हम शहर कांग्रेस की तरफ से छोटा सा उपहार देकर हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं आज महिला दिवस पर। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। निगम में लगातार दूसरे दिन राजीव गांधी सिविक सेंटर में हुई रजिस्ट्री को लेकर हुआ हंगामा। निगम आयुक्त ने कहा, आपको जो करना है करें, आप चाहे तो रजिस्ट्री को करें शून्य घोषित। पक्ष विपक्ष के लगातार हो रहे हंगामे के बाद महापौर प्रहलाद पटेल ने रजिस्ट्री को शून्य घोषित करने की बात कही। नगर निगम परिषद में चल रहे हंगामे के बीच महापौर प्रहलाद पटेल को आया फोन। फोन के बाद महापौर प्रहलाद पटेल ने की राजीव गांधी सिविक सेंटर रजिस्ट्री शून्य करने की घोषणा। महापौर द्वारा रजिस्ट्री को शून्य करने के दिए गए निर्णय के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता हुए शांत। वर्षों तक फर्जी रजिस्ट्रियों की आंच बनी रह सकती है निगम गलियारों में। अपनों में अब अपनों को खोजेंगे महापौर प्रहलाद पटेल। और शिवरात्रि के महापर्व पर हुए शहर में विभिन्न जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। देर शाम निकली शाही बारात तो कहीं हुआ महाआरती का आयोजन।